हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो गाइस, माय नेम इज मेहुल। और आप लोगों को जैसे पता, कल मैं एक राइड करके आया था जिस बाइक को थोड़ा टेस्ट करने के लिए और यू नो थोड़ा जानने के लिए। उसमें एक छोटा सा सीन हो गया कि मेरी बाइक ने सर्विस लाइट देना चालू कर दिया है। अब जाके दिखा देते हैं क्या है क्या नहीं। सो आई एम हेडिंग टू कावासाकी नाउ, वो दिखा देंगे, चेन टाइट करा देंगे और यू नो नॉर्मल वर्क हियर एंड देयर। तो ये राइड के बाद जो छोटी सी प्रॉब्लम आ गई वो ठीक है, वो तो अपन सॉर्ट आउट करा लेंगे फटाफट। द ओनली सीन राइट नाउ इज कि अगर मैं जाके बाइक दूँ और मेरे को कितना टाइम वापस मिलेगी, क्योंकि एज यू नो द वैली रन इज़ रियली क्लोज। मतलब मेरे को तब तक अपनी बाइक एकदम प्रॉपर सॉर्ट आउट करनी है, प्लस आई नीड टू डू अ फ्यू ट्वीक्स टू माई कार ऑल्सो। अब जो एंड का था तो मैंने करवा लिया। और आप लोग सोच रहे हो ना कि मैं इतना कुछ गाड़ी करवा रहा हूँ, बता क्यों नहीं रहा हूँ। ये सारा कुछ डिटेल्स आपको मैं वैली रन के बाद दे दूंगा, क्योंकि रेस के पहले थोड़ा नॉट हैपनिंग। सो या सबसे पहला काम, माई हेलमेट इज़ रेडी। मेरे लाल टॉवल को इग्नोर कर दो, भूल गया था। वो रेडी है, वो लेके चलते हैं। तो फाइनली निकल पड़े हम और फ्यूल लाइट पर फ्यूल आज नहीं भराएंगे, क्योंकि अब ये बाइक जाएगी, जो भी काम होना है वो होगा एंड देन उसके बाद इसमें सीधे सीधे भराया जाएगा 97 ऑक्टेन फ्यूल विच विल बी डायरेक्टली फॉर द वैली रन, दैट्स इट। तो अब ऐसी भी चीज़ है कि मैं चला के नहीं आने वाला हूँ ये बाइक, आई विल मोस्टली गो इन द कार। तो अब सोच रहे बाइक लाएगा कौन, तो ये बाइक अथर्व ले आएगा, बट अभी वो थोड़ा सा डिसीजन लेना चल रहा है। मतलब अभी तक मेरे अथर्व की अच्छे से बात नहीं हुई है, इतना बिजी रहता है ना वो, उसको एक दिन आएगा तो सुनाएंगे उसको कितना बिजी। फ़ोन नहीं कर पाता दिन में दो बार, वो बोले दो बार नहीं बोले दिन में एक बार फ़ोन भी नहीं कर पाता है वो। कोई नहीं यार, इज लिविंग अलोन देयर, तो फिर समझ सकता हूँ मैं कितना कुछ होता होगा एक दिन में उसके साथ करने के लिए। अरे एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को क्या लगती है, कावासाकी मेरे घर से ना ज़्यादा दूर नहीं है। अब बस जाते हैं कावासाकी। अभी अभी ये देख रहे हो ये जो सर्विस का आइकन यहाँ दिख रहा है, बस वही आ रहा है मेरे को, वो दिखा देना है कि क्या है एक बार, क्योंकि फर्स्ट सर्विस तो हो चुका है बाइक का। ऐसा सर्विस लाइट आना अच्छी बात तो नहीं है, तो इंजन चेक लाइट नहीं है बट सर्विस लाइट है। आई लास्ट देम दैट इफ यू गाइस कैन डू इट देन यू कैन क्लीन माय एयर फिल्टर आल्सो। मतलब मेरा जो एयर फिल्टर है ना वो बहुत सिंपल है, उसको बस निकालो, हवा मारो, वापस डाल दो। अभी चलो आप लोग के ना एक क्वेश्चन है, ऐसा जो एयर फिल्टर है वो दिन में बहुत कम है, इट्स कॉल्ड अ ड्राई फिल्टर, ठीक है। अगर आपको पता है कि कौन से ब्रांड का एयर फिल्टर मैंने डाला है तो अभी वीडियो पॉज करो, अभी कमेंट करो और मेरे को बताओ। चलो आज आप लोग के लिए करते हैं कि आपको कौन सा पता है या नहीं पता है कौन सा एयर फिल्टर है ये। एंड टू गिव यू एन हिंट, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कंपनी, मतलब US वगैरह में अगर आप यू नो 650E भी ऐसे सब लोगों के वीडियोस देखते हो हु आर इन टू दो स्टूपिड फास्ट बाइक्स बिल्ड करते हैं लोग एंड देन दे ड्रैग इट एंड रेस इट एंड एवरीथिंग, तो यू विल प्रॉब्ली नो दिस फिल्टर। येस आई हैव दैट एग्जैक्ट वन। और अगर आपको जानना है ये फिल्टर का नाम तो मैं ये वीडियो के एंड तक बता दूंगा, तो उसके लिए पूरा वीडियो भी देखना पड़ेगा। हाँ ट्रिक अच्छी थी ना। इसके बाद अगला काम करना है इसकी चेन टाइट सब करवाना है, तो आज इन लोग थोड़े बिजी है। सो आई विल टेक इट टू रोहित्स प्लेस एंड गेट इट डन ओवर देयर फटाफट, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इसको कल वापस यहाँ ले आऊँ वगैरह, तो आज वहीं जाते हैं। और आपने जो पिछली क्लिप देख ली, इसका लॉन्च कंट्रोल वगैरह सब कुछ टेस्ट और एक्टिवेट हो चुका है फॉर दिस वीकेंड। यहाँ का ट्रैफिक कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और इसको स्पोर्ट से हटा देता हूँ। इससे पहले ये पूरी स्लाइड होने लगे हाथ से, मायरा इज ऑल रेडी एंड सेट एंड ऑफ कोर्स बाय द बेस्ट। तो अब मेरे को ड्रैग्स के लिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, जो छोटे मोटे और कुछ काम थे वो भी हमने निकाल दिए। बाय बाय रोहित सर, गॉन साउंड इज़ गॉन सर, यस बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल सी यू एट द ड्रैग्स। लेट्स गो।
ये ब्रेक और क्लस्टर मैं थोड़ा मेरे अकॉर्डिंगली नीचे कर दिया है, बिकॉज पहले जो स्टॉक हाइट पे मेरा हाथ ऐसे रहता था, इट शुड बी लाइक दिस, ये तो यहाँ प्रेशर आता है, यू नो पाम के यहाँ पे प्रेशर आता है, तो वो नहीं आने के लिए इसको प्रॉपरली से स्ट्रेट कर दिया है। अगर आपके इसको ऐसा एग्रेसिव बाइक है सो मेक श्योर इट इज़ इन लाइन विथ योर हैंड, नॉट लाइक दैट। Smooth as butter. The next day. तो basically जहाँ पे वीडियो लास्ट खत्म हुआ उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा रेस्ट मोड में चले गए और कुछ व्लॉग ही नहीं किया। अब सीन ऐसा है कि आपको तो पता है कि बारिश आ गई है मुंबई में आज बहुत ज़्यादा, बट अपना काम तो रुकता नहीं है। और ये देखो इतना रिस्की तरीके से मैंने इसको निकाला, ये पानी गिर रहा है हाथ पे। तो अभी बेसिकली हो गया है, मैं ये बाइक लेके जा रहा हूँ OCD वॉश करवाने। बड़े दिनों बाद जब हमको अपॉइंटमेंट मिला है, क्योंकि इसको भी तो लेके जाएंगे ना, इसको थोड़ी घर छोड़ेंगे। और ये भी गंदी है बट इसको थोड़ा मैनेजेबल है। अगर अपॉइंटमेंट कल का नहीं मिला OCD का तो मैं खुद साफ़ करूँगा। ये वाली बेचारी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये जो बिन मौसम बारिश आई है उसने थोड़े ज़्यादा ही तकलीफ़ दे दी हमको। या जैसे देख सकते हो ये सब कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया। और हाँ, मेरी ये लाइट्स है, ये देखो इसका पता नहीं क्या हो चुका है, एक चल रही है इतनी और एक तो पूरी गई है। देखो ये इतनी काम कर रही है और ये पूरी तरह से गई है। आई होप कोई लूज़ कनेक्शन ही हो, लाइट ख़राब ना हुई हो, नहीं तो बड़ा फटका पड़ेगा। अभी चलते हैं, आपको फिर बताता हूँ। ऑफ रोड ही हो गया ये देखो, मैं तो ऑफ रोड मोड में डाल दिया सीधा, ज़रा रिस्क नहीं लेने का है अपने को और मज़े भी ज़रा भी कम नहीं करने। ओहो ग्लाइड होती है यार ये सब चीज़ों पे से टाइगर। कहाँ से भाई, यहाँ से, चलो यहाँ से जाएंगे। मैं सोच रहा था पहले टेनर आज ला के वॉश करा दूँ, ये देख के मैं ऐसा हो गया बोला अच्छा हो मैं टेनर लाया ही नहीं। एक्चुअली ये मेन रोड नहीं है, ये शॉर्टकट है, यहाँ से आना नहीं चाहिए, बट क्या करें, ट्रैफिक से बचने के लिए हमको ऐसे ऐसे उपाय करने पड़ते हैं। जंप नहीं हुआ बट वो फील जाता है ना, अरे रे निकलेगी यहाँ से, आराम से निकलेगी। की हालत देख लो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अब ये यहाँ पे क्यों खड़ी, क्योंकि अंदर एक गाड़ी की कोटिंग चल रही है। वी गॉट अ वेरी अदर वर्क गोइंग ऑन इनसाइड व्हेन देयर इज अ कार व्हिच इज बीइंग कोटेड, तो उसका काम भारी होगा। और बारिश फिर से आ चुकी है, अब सोच रहे हैं बारिश में क्यों धुलवा रहा हूँ। तो बेसिकली जो एकदम मडी वाला एरिया उसको साफ करूँगा, जिस गिविंग इट अ बेसिक वॉश। और घर जाके व्हाट वी गोना डू इज आई एम गोइंग टू क्लीन इट अगेन टुमारो एंड देन कीप इट अच्छे से तब वैली रन के लिए। मस्त दिख रही है, अभी चलते हैं घर पे, भागना है। चलो फाइनली एक बाइक तो तैयार हो गई, देख लो एकदम मस्त शाइन हो रही है। अभी जाते हैं घर पे, और यहाँ पे थैंकफुली रोड थोड़ा सूखा भी है तो ज़्यादा गंदी भी नहीं होगी जाते जाते। ये अचानक वाली बारिश ने ना यार वाट लगा दिया है मेरा, सारा का सारा काम बीच में रुक रहा है या फिर डिले आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी सीधा आप लोगों को घर पर मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस फाइनली घर पे आ गया, एंड देन एक्चुअली हुआ क्या, ये वो सेम दिन नहीं है, मैं सो गया घर पे आके, और दिस इज़ द नेक्स्ट डे जस्ट मैंने अपना योगा सेशन वगैरह ख़त्म किया है। सी ऑल माय योगा का स्टफ इज लाइंग हियर, तो सारा कुछ ख़त्म किया और अभी मैं एडिट करने बैठूंगा सुबह सुबह, दैट्स हाउ इट इज़। और ये वाला वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। आज एक्चुअली दिनेश भाई इज कमिंग टू मुंबई, तो उनको लेने जाना है, बाइक और गाड़ी के थोड़े बहुत काम बचे वो भी कराने हैं, क्योंकि मायशा का तो वॉश हो गया और मायरा का वॉश नहीं, तो आज मैं खुद करूँगा। और एक्चुअली कल जैसे देखा बारिश वगैरह था, तो आई हैव टू क्लीन मायशा अगेन थोड़ा नीचे नीचे से, तो वो सब भी करना है आज।
तो वही मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक अगले व्लॉग में। और कल का जो व्लॉग रहेगा अगला वाला वो रहेगा फर्स्ट डे ऑफ इंडिया बाइक वीक एंड वैली रन, सो डू नॉट मिस दैट एट ऑल। रिमाइंडर लगा लो, बेल आइकन को वापस हटा के वापस क्लिक कर दो, सब कुछ कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वी बिलीव 75% ऑफ माई ऑडियंस इज नॉट सब्सक्राइब्ड येट, यार सो इसी ने समझ करो, प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर दो, आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम आ जाएगी। सो वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।